हे गाइस गुड इवनिंग। और आज मेरे K20 Pro में मैंने इंस्टॉल किया Havok OS वर्जन 3.4 जो कि हाल ही का Havok OS का सबसे लेटेस्ट वर्जन है। और ये अपडेट जो आया है रिसेंट, ये सबसे मेजर अपडेट में से भी एक है। मेरे को काफ़ी सारे पॉइंट्स आप सभी को शेयर करने हैं इस मेजर अपडेट के बारे में, क्योंकि काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं Havok OS के साथ इस अपडेट के साथ साथ। तो चलिए हम लोग जल्दी से पहले ओवरव्यू और अबाउट द फोन्स देख लेते हैं। एक जनरल ओवरव्यू के बाद ही बात करते हैं कौन कौन से चेंजेस हुए हैं और कहां कहां कैसे कैसे चेंजेस ने इफेक्ट किया है इस ओएस को। तो जल्दी हम लोग अबाउट फोन्स पे जाके देख लेते हैं कि ये जो ओएस है ये एंड्रॉइड वर्जन 10 के ऊपर बेस्ड है। Havok OS जो वर्जन है ये 3.4 है। एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल 5 अप्रैल का है। और तो और यहाँ पे जो वर्जन दिया जाता है कर्नल का वो है इवेंसिटी कर्नल। अब इसके बाद हम लोग अगर आ जाए वाईफाई या नेटवर्क्स में तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे वाईफाई एकदम प्रॉपर्ली वर्किंग है। साथ ही जो कॉलिंग है वो भी एकदम सीमलेसली वर्क करता है। वोल्टी एंड वोल्टी वीडियो कॉलिंग भी एकदम प्रॉपर्ली वर्किंग है। एक कॉल करके मैं आपसे कुछ दिखा देना चाहता हूँ कि कॉलिंग का सीन क्या है इस ओएस में। तो यहाँ पे मैंने कॉल लगाया है। नमस्कार, तो आप देख सकते होंगे कॉलिंग एकदम प्रॉपर्ली वर्किंग है। साथ ही अगर हम लोग फिर से सेटिंग्स में चल जाए तो हम लोग देख सकते हैं जो बैटरी लाइफ है वो काफ़ी अच्छा मिल रहा है यहाँ पे, क्योंकि अगर मीडियम यूजर है आप में से कोई तो आपको यहाँ से आराम से 1 से 1.5 दिन का बैटरी लाइफ तो आराम से मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पे स्मार्ट चार्जिंग का भी ऑप्शन दिया गया है। साथ ही हम लोग अगर कॉन्फ़िगरेशन सेंटर में आ जाए तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारे टन्स ऑफ कस्टमाइजेशन फीचर है जो कि Havok OS में पहले से ही थे। अब यहाँ पे काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं। आप अगर मेरे Havok OS के वीडियो को कुछ दिनों से फॉलो करते हैं, मेरे पहले वीडियो को देखे हो तो आप समझ में आ गया होगा। वहां पे मैंने एक्सप्लेन करके बोला था कि क्या क्या ऑप्शन में क्या क्या चेंजेस हम लोग को, मतलब क्या क्या कस्टमाइज हम लोग कर सकते हैं। अब पूरे कस्टमाइजेशन फीचर्स को मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि उसके लिए फिर मेरे को एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा। इतने सारे कस्टमाइजेशन यहाँ पे है, सबको कवर करना लगभग इम्पॉसिबल है। फिर भी मैं एक ओवरव्यू और कौन कौन सा फीचर यहाँ पे चेंज हुआ है सब कुछ यहाँ पे बता दूंगा। और मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी जगह है जहाँ Havok OS हम लोग को कस्टमाइजेशन करने नहीं देता। ये काफी कस्टम रिच यहाँ पे ओएस है। साथ ही मुझे एक जगह में लगता है कि इम्प्रूवमेंट थोड़ी सी जरूरत है, वो है फिंगरप्रिंट आइकन पिकर। अभी भी Havok OS में हम लोग को देखने को नहीं मिलता। साथ ही साथ एनिमेशन बस एक ही मिलता है जो कि अभी के फिलहाल के हाल ही के अपडेट के साथ आया है और हमें कोई भी एनिमेशन देखने को नहीं मिलता है। तो ये था यहाँ का कस्टमाइजेशन सेंटर। अब हम लोग चले जाते हैं साउंड में। तो साउंड एकदम प्रॉपरली वर्किंग है, आप सभी देख सकते होंगे। साथ ही हमें मी साउंड एनहांसर भी मिलता है। अब हम लोग बात कर ले अगर यहाँ पे सिक्योरिटी में, तो सिक्योरिटी में हमें पिन पैटर्न सब कुछ यहाँ पे देखने को मिलता है। साथ ही फेस अनलॉक भी देखने को मिलता है जो इस बार के अपडेट के साथ आया है, जिसके बारे में मैं बाद में बात करता हूँ। तो चलिए हम लोग अभी देख लेते हैं कि यहाँ पे एक्चुअल में इतने सारे, अभी तो आपने ओवरव्यू देख लिया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि Havok OS एक्चुअल में कैसा है। यहाँ पे परफॉर्मेंस हमें काफ़ी डिसेंट देखने को मिलता है, वैसा कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है परफॉर्मेंस को लेकर। अब अगर हम बात कर लें कि इस अपडेट में चेंज क्या क्या हुआ, तो चेंज की बात अगर मैं करूँ तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इस अपडेट में हमें फर्स्ट में जो मैंने कहा कि जो सिक्योरिटी पैच लेवल है वो लेटेस्ट 5 अप्रैल का सिक्योरिटी पैच यहाँ पे दिया गया है। और तो और अगर हम लोग यहाँ पे और भी बात करें तो चेंज लॉग में हम लोग ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है हमें सिक्योरिटी में फेस अनलॉक का भी ऑप्शन मिल जाता है। अगर मैं फेस अनलॉक आपको यूज़ करके दिखा दूँ तो यहाँ पे आप सभी देख पाए होंगे, ये अगर मेरा फ़ोन ऑफ है मैं फ़ोन को हाथ तक नहीं लगाऊंगा, नॉर्मली फ्रंट कैमरा राइज होगा और मेरा फ़ोन जो है वो ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सभी ने देखा होगा ये फेस अनलॉक, मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा फ़ोन जो है पर्टिकुलरली फेस अनलॉक से अनलॉक हो रहा है। और तो और यहाँ पे जो Havok OS इसका बूट एनिमेशन है वो एकदम से रिफ्रेश होकर एक नया सा बूट एनिमेशन हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे और एक फीचर भी ऐड हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं एडाप्टिव प्लेबैक। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन सेंटर में एकदम मिसलेनियस में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक न्यू फीचर ऐड हो चुका है जिसका नाम है एडाप्टिव प्लेबैक। और तो और यहाँ पे जो हेड्सअप नोटिफिकेशन आते हैं इसमें हर बार एक म्यूजिक चेंज होने पर, न्यू ट्रैक आने पर एक हेड्सअप नोटिफिकेशन भी आएगा, ये भी ऐड हुआ है इस अपडेट के साथ। साथ ही साथ यहाँ पे फिंगरप्रिंट एनिमेशन का भी एक अपडेट ऐड हुआ जो कि हम लोग लॉक स्क्रीन में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ये रहा रिकॉग्नाइजिंग एनिमेशन। यहाँ पर भी एक अपडेट में हम लोग को चेंजेस देखने को मिलता है। यहाँ पे चेंज तो काफ़ी सारे एनिमेशन तो देखने को नहीं मिलता, लेकिन एक स्टैंडर्ड एनिमेशन फिंगरप्रिंट अनलॉक के टाइम में हम लोग को देखने को मिलेगा, तो ये जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और तो और यहाँ पे जो नॉर्मल हेडसअप नोटिफिकेशन है उसको भी काफ़ी एनहांस किया गया है, पहले की तरह बोर्डिंग ऑन नहीं रहा। और तो और यहाँ पे लॉक स्क्रीन का शायद से इसके पिछले अपडेट में कोई बग रहा होगा कि कस्टम इमेजेस में कोई बग रखा होगा, जो मुझे पर्सनली तो
पता नहीं, लेकिन उसे भी फिक्स किया गया है। अभी कस्टम लॉक स्क्रीन वॉलपेपर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब इसके बाद वाले चेंजेस की बात कर ले तो यहाँ पे एंड्रॉयड ऑटो जो फीचर था, एंड्रॉयड ऑटो फीचर जो ब्रोकन हम लोगों को मिलता था, अभी ब्रोकन नहीं है। अभी एकदम आराम से आप सभी देख पा रहे होंगे कि एकदम अच्छे से वर्किंग है। तो अभी मैं एंड्रॉयड ऑटो बस ऐप ही ऑन करके दिखा सकता हूँ, गाड़ी में कनेक्ट करके दिखा नहीं सकता। तो ये था नॉर्मली एंड्रॉयड ऑटो का। इसके बाद अगर हम लोग बात कर ले नॉर्मल मेजर चेंजेस के बारे में, तो हमें यहाँ पे एक और बग फिक्स देखने को मिलता है। वो है कि जब की गार्ड में होता था तब चार्जिंग के टाइम में एक्चुअली दो स्टेटस देखने को मिल जाते थे, तो अभी दो स्टेटस देखने को नहीं मिलता, एक ही स्टेटस देखने को मिलता है। वो जो बग था वो फिक्स हो चुका है। और एक बग जो फिक्स हो चुका है वो है फ्लाइट मोड ऑन करने के टाइम में लास्ट हवा को इसमें जो होता था वो है ब्लूटूथ ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता था, तो अभी वो प्रॉब्लम भी एड्रेस कर दिया गया है। अब ब्लूटूथ भी ऑटोमेटिकली ऑन नहीं होता। अब लास्टली अगर हम लोग बात कर ले तो एक और चेंजेस लाया गया है रॉम में, वो है कि जैसे K20 Pro में जेस्चर सपोर्ट हम लोग को मिलता है, लेकिन कुछ कुछ डिवाइस जिसमें जेस्चर सपोर्ट देखने को नहीं मिलता उसमें वो ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएगा। तो यही थे सारे चेंज लॉग, मेजर चेंज लॉग। तो मैंने कहा था कि काफ़ी सारे चेंज लॉग है और नॉर्मल हेयर एंड देयर के ऑप्टिमाइजेशन एंड इम्प्रूवमेंट, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, ये सब तो है ही इस अपडेट के साथ, वो मैं स्पेशली और ऐड नहीं कर रहा। तो टोटल हमें 12 से 13 मेजर अपडेट्स, मेजर चेंजेस देखने को मिल जाते हैं इस अपडेट के साथ। तो चलिए, जिन लोगों को नहीं पता कि हैवा को इसको इंस्टॉल कैसे करें, तो चलिए देख लेते हैं इंस्टॉलेशन प्रोसीड्योर। तो गाइस, हैवा को इसको इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने लॉक बटन और वॉल्यूम अप बटन को दबा के जो अपने फ़ोन को जो है उसे कस्टम रिकवरी मोड में ले जाना पड़ेगा। तो ये रहा, ऑरेंज बॉक्स रिकवरी ऑन होने वाला है मेरे फोन में। तो अभी ऑन होने के बाद हमें स्ट्रेट वाइप में जाना पड़ेगा, डेल्विक कैश सिस्टम डेटा, इन चारों ऑप्शन को सिलेक्ट करके वाइप कर देना पड़ेगा। तो ये हो जाते ही हमें क्या करना पड़ेगा, जल्दी से डाउनलोड्स में जाना पड़ेगा और हैवा कोएस जो है इसको सिलेक्ट करके फ्लैश कर देना पड़ेगा। तो ये जो है हैवा को इसका जिप फाइल जो है सक्सेसफुली फ्लैश हो चुका है। अब बस हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली रिबूट टू द सिस्टम कर देना है। तो ये हमारा बूटिंग लोगो जो है वो आ चुका है और हैवा को जो है सक्सेसफुली बूट होने वाला है। फर्स्ट बूट जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है एज़ कम्पेयर टू द कंसेक्यूटिव बूट्स, लेकिन इसके बाद के जो सारे बूट्स होंगे वो इतने टाइम नहीं लेंगे। तो ये रहा हमारा हैवा को जो वो सक्सेसफुली स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पे सिंपली हम लोग स्टार्ट में क्लिक करेंगे और उसके बाद जो बेसिक एंड्रॉयड फॉर्मेलिटीज़ होते हैं वो सब हम लोग फिलअप करेंगे और हमारा जो ओएस होगा वो एकदम रेडी हो जाएगा यूज़ करने के लिए। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है और हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।